कहते हैं दोस्त, मेमोरीज देखकर जाते हैं। मेरे वाले तो मुझे लेसन देकर चले गए, और वो भी इतने लेसन कि मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ। एक फिल्मी डायलॉग भी है ना कि कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है, और कर्जे मैंने तो सूद समेत चुकाए हैं। मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मा मुझे भी मेरा सॉलमेट मिलेगा ना। मैं उसे कहती हूँ, सॉल तो ऊपर वाला भेजता है धरती पर, लेकिन उसने मिलवाना बंद कर दिया है। वैसे भी आज का जो टाइम है, बेटर है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। यही समझ लो कि कोरोना आज भी फैला हुआ है। मेरी कौन यहाँ सुनने वाला है। घर से बाहर निकल के देखो तो मुंह में मुंह दिए लोग देखने को मिल जाएंगे। पाक को भी नहीं छोड़ रखा यार। बेसब्री का तो ये आलम है कि शादी के बाद तो इन्हें कुछ करना ही नहीं है। शादी करनी है सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, ताकि अपनी सास की गोद भर सके। मजे तो सारे शादी से पहले ही उठा लेने हैं। और ये देखो, ये एक पुलिस इंस्पेक्टर लग रहा है मुझे, जो इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। होना भी चाहिए क्या, तुम पाक को बदनाम कर रहे हो? बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, कम से कम इसकी तो शर्म करो। वैसे एक बात तो अच्छी है मेरी, मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है। पुराना साल ख़त्म, तब भी मैं सिंगल थी। नया साल शुरू, अब भी मैं सिंगल हूँ। आई एम एंजॉइंग माय सिंगल स्टेटस। बहुत सुकून मिलता है यार, बहुत सुकून मिलता है। पहले टाइम अपने लिए निकालना पड़ता था, अब टाइम ही टाइम है। ऐसे भी हर दिन तो नया मीम आता ही है। प्रॉब्लम भी हर दिन कोई ना कोई नई खड़ी होती है। तो ऊपर वाले से अगर कुछ मांगना ही है तो शक्ति मांगो इन प्रॉब्लम को झेलने की। ट्रस्ट मी, वो देता है। ऐश करो यार, क्योंकि हर चीज टेम्परेरी है। ये क्यों सोचना कि आपने इस साल कुछ नहीं उखाड़ा। साल का दिन आखिरी था, आपकी जिंदगी का दिन आखिरी थोड़ी ना है। अगले साल उखाड़ लेना, उसके अगले साल उखाड़ लेना। नीली हरी आंखों का शौक तो मुझे बचपन से ही रहा है। फर्स्ट टाइम नागिन मूवी में श्रीदेवी की आंखें देखकर पागल हो गई थी। बाद में पता चला यार ये लोग आई लेंस लगाते हैं, इनकी आंखों का कलर ये नहीं होता। तभी सोच लिया था बड़े होकर मैं भी आई लेंस खरीदूंगी। लेकिन अब डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखें खराब हो जाए। आई फिल्टर ने मेरा ये शौक भी पूरा कर दिया। लोग बोलते हैं मैम आपकी आंखों में डूब डूब के मरने का मन करता है। मेरा भी करता था जब मैं श्रीदेवी की आंखें देखा करती थी बचपन में। कुत्ते जैसा वफादार आदमी अगर किसी औरत को मिल जाए, वो उसे कभी भी वैल्यू नहीं करती है, क्योंकि उसे खोने का डर कभी होता ही नहीं है। आपके रिलेशनशिप में भले आपके पास सोना चांदी ना हो, लेकिन डर जरूर होना चाहिए। किस चीज का डर? एक दूसरे को खोने का डर। ये लोग ना कई बार जज बहुत करते हैं, और फालतू का जज करते हैं कि लड़की की कमर बढ़ गई, उसका हिप निकल गया, उसका टमी बाहर निकल गया, तो मतलब ने शादी वाला काम पहले ही कर लिया। फिर तो जिन छोटे लड़कों को छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है, तो मतलब हम ये मान ले कि उन्होंने लड़कियों को घूर घूर के अपनी आंखें खराब कर ली। बाहर आई हुई तो सोचा बच्चों के लिए चलो छोले भटूरे लेकर चलूं, वरना जाकर घर में बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो कि मैं घर के कामों से बचती हूँ, मना नहीं करूंगी, बिल्कुल बचती हूँ, लेकिन खासकर किचन के कामों से। इसमें मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं और होना भी नहीं चाहती। अब तो मेरे बच्चों ने भी मुझे मोटिवेट करना शुरू कर दिया है कि मम्मा आप सीधा सिंपल खाना ही बनाया करो, क्योंकि वही आप अच्छा बना लेते हो। जब पकवान खाने की बारी आएगी तो हम बाहर से मंगा लिया करेंगे। कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता लग ही चुका है कि उनकी माँ दुनिया की हर जंग जीत सकती है, लेकिन मास्टर शेफ की ट्रॉफी बिल्कुल नहीं। एक राज की बात बताऊं, मुझे बिन बुलाए मेहमानों से भी बहुत परहेज है। इसलिए नहीं कि मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि इस काम में मेरी कोई योग्यता नहीं है। ये देखो, सोते हुए भी दिमाग में कंटेंट ही चलता है मेरे कि नेक्स्ट वीडियो में अब नया क्या दूं लोगों को। बाय गॉड, समझ नहीं आता, यूट्यूब ने मेरी नींदें भी चुरा ली। ऐसे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों की किस्मत बदल दी है, मेरी भी। आजकल की लड़कियां लड़कों में क्या देखती है, क्या लड़का दिमागदार हो लेकिन मेरा दिमाग ना खाए, सलीखा जानता हो लेकिन मुझे ना सिखाए, और मेरी बात जल्दी मान जाए। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा 10वीं 12वीं में फेल हो जाए, तो उसे जिंदगी में फेल समझकर उसकी शादी करा दी जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं तो फिर भी पढ़ने में ठीक ठाक थी। पेट में गैस बनी तो या जीनू खरीदा, इसे खरीदा तो पता लगा ही रे पाउचे 10 रुपए का आने लग गया। टाइम कितनी जल्दी निकलता है ना। इसे खरीदने से ये भी एहसास हुआ कि पिछले 15 सालों से मेरे पेट में गैस भी नहीं बनी। वाओ, मर्द होने का गर्व भले ही हो लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। लाइफ में सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता। जब कोई लड़की मना करती है तो लड़के को दो बातें तो समझनी ही चाहिए, कि या तो आपका जो अप्रोच करने का तरीका है वो सही नहीं था, या फिर आप उसके मेंटल फ्रेम में फिट नहीं होते।
जो आदमी इग्नोरेंस से डील करना सीख गया, समझो वो जिंदगी जीना सीख। कहते हैं गलती से इंसान सीखता है, लेकिन मैं तो वो शख्सियत हूँ जो गलती इन्वेंट करती हूँ। लोग बालों में ऐसे कलर लगाते हैं जैसे बालों का कलर बदलते ही उनकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन मेरे साथ तो खैर उल्टा हुआ। कलर करा के तो मेरे बाल भी ख़राब हुए और मेरी ज़िंदगी भी। और एक सबक और मिला कि बालों में कलर कराने से ज़िंदगी नहीं बदलती, पहले ज़िंदगी बदलो फिर कलर बदलना। ये एक्टर लोग भी हमें कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं ना। शाहरुख खान का जो फैन होगा उसका सर अपनी माँ के सामने भी झुकेगा, दुर्गा माँ के सामने भी झुकेगा और अपनी बीवी के सामने भी झुकेगा। वही जो सलमान खान का फैन होगा उसका सर या तो गणपति बप्पा के सामने झुकेगा, बाकी पूरी दुनिया का तो वो सर झुकवाएगा। ये लड़कियां भी पता नहीं क्यों रोती रहती है कि मुझे उसने चीट कर दिया। अरे जिसकी फितरत है चीट करना वो तो चीट करेगा ही ना। अब क्या तुम मातम मनाओगी, शोक सभा बिठाओगी या कोई और कंधा ढूंढोगी आंसू पूछने के लिए? एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आंसू पूछेगा वो आगे जाके कीमत जरूर लेगा। भगवान, भगवान से तो मैंने कब का मांगना अपने लिए बंद कर दिया, क्योंकि वैसे तो वो कभी सामने नजर नहीं आते, लेकिन सपने में आके एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुझे मैंने इतना हिम्मत वाला बनाया कि तू अपने लिए खुशियां लड़कर हासिल कर सकती है। उनके इस बात से मैं इतना मोटिवेट हो गई, इवन इतनी ओवर मोटिवेट हो गई कि दूसरों की लड़ाइयों में भी जाके पैर फंसाने लग गई। मेरी जैसी चतुर महिला को भी ये बात बहुत लेट समझ में आई कि जिन लोगों के लिए आप सगे बनकर लड़ोगे वही आपको गैरों के साथ डीजे पे कूदते हुए ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे और चू आप बन जाओगे। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को एंटरटेन करने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।